नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे फिल्म म्यूनिख द एज ऑफ वॉर के बारे में। नेटफ्लिक्स पर आप इसको देख सकते हैं और हिंदी में भी ये उपलब्ध है। ये आधारित है रॉबर्ट हैरिस के नॉवेल म्यूनिख पर। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1932 से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तीन दोस्तों से हमको परिचय करवाया जाता है। ये है ह्यूज लेगर्ट, पॉल वॉन हार्टमैन और लीना। और ये लोग एक पार्टी में मौज मस्ती कर रहे हैं। फिर अचानक से ये कहानी शिफ्ट हो जाती है 1938 में। यहाँ जो माहौल है वो थोड़ा सा गंभीर है। जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पर हमला करने के लिए तैयार है। हिटलर ने सेना की मूवमेंट के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चेम्बरलिन इस युद्ध को रोकना चाहते हैं और इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और फिर अब हम देखते हैं लेगर्ट को, जो कि चेम्बरलिन का प्राइवेट सेक्रेटरी बन चुका है, या हार्टमैन जर्मनी का डिप्लोमेट बन चुका है। हार्टमैन के हाथ कुछ ऐसे कागजात लगे हैं जिससे कि वो हिटलर के इरादों का खुलासा कर सकता है, और वो ये सोचता है कि अपने दोस्त लेगर्ट के साथ मिल करके वो कुछ ऐसा करे जिससे कि इस युद्ध को टाला जा सके और हिटलर के इरादों को बेनकाब किया जा सके। तो अब क्या कैसे होता है इन लोगों के साथ, यही आप इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों ये जो फिल्म है इसकी कहानी 1938 में हुए म्यूनिख एग्रीमेंट के बैकड्रॉप में है, लेकिन यहाँ फोकस में हमको हिटलर दिखते हैं और चेम्बरलिन दिखते हैं। फ्रांस और इटली की केवल यहाँ चर्चा भर की गई है। तो हिस्टोरिकल रूप से ये फिल्म कितनी सही है इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता। फिर हम यहाँ कुछ ऐसे करेक्टर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि बिल्कुल ही इमेजिनरी करेक्टर हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जर्मनी में एक ऐसा गुट था जो कि हिटलर के खिलाफ था, उसे बंदी बना लेना चाहता था। तो क्या 1938 के जर्मनी में ये संभव था? क्या ऐसा कोई गुट वाकई था? इसके बारे में भी कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता। दोस्तों फिल्म की जो शुरुआत है वो थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन बाद में जब करेक्टर से हमारा परिचय हो जाता है या घटनाएं थोड़ी आगे बढ़ती हैं तो फिर ये फिल्म इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक वक्त के बाद आप इस फिल्म में इंगेज भी महसूस करेंगे, इसका थ्रिल भी महसूस करेंगे और इस फिल्म को देखने में मज़ा भी आएगा। दोस्तों यहाँ स्पाई वाला जो एंगल रखा गया है वो उतना ठीक से तो वर्क नहीं करता, लेकिन इसका थ्रिल आप जरूर महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पॉलिटिक्स है, यहाँ वॉर की चर्चा है, लेकिन यहाँ फ्रेंडशिप भी है। और ये जो दोनों दोस्त हैं इनकी फ्रेंडशिप को अच्छे ढंग से दिखाया गया है, इनका इमोशन भी हमको समझ में आता है। इसके अलावा दोस्तों कैरेक्टर्स के हिसाब से भी ये फिल्म अच्छी कही जा सकती है। दोनों दोस्तों के कैरेक्टर के अलावा यहाँ चेम्बरलिन के कैरेक्टर को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है, और जिस तरह से एक एफर्ट था उनका इस युद्ध को रोकने के लिए, या जो भी वो करना चाह रहे थे हिटलर के साथ एक एग्रीमेंट, वो चीज़ें भी आपको समझ में आती हैं। दोस्तों जेरमी आयरन्स हैं यहाँ चेम्बरलिन की भूमिका में, और बहुत शानदार उन्होंने अदाकारी की है। इसके अलावा आप लेगर्ट की भूमिका में देखते हैं जॉर्ज मैके को, या फिर जेनिस नाइवोकर को आप देखते हैं हार्टमैन की भूमिका में। इन सब ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी है और बहुत सारे दृश्य हैं जो कि काफ़ी भव्य तरीके से फिल्माए गए हैं। और जो 1938 का जर्मनी हो सकता था, म्यूनिख शहर हो सकता था, उसको पर्दे पे अच्छे से उतारा गया है। कैमरा वर्क यहाँ आपको शानदार दिखता है। और दोस्तों ये जो फिल्म है ये है 2 घंटा 11 मिनट की। आमतौर पे साफ सुथरी ही फिल्म है, एक दो जगह कहीं किसिंग के सीन है। तो दोस्तों यदि आपका हिस्टोरिकल ड्रामा देखने में कोई इंटरेस्ट है या वर्ल्ड वॉर की कहानियां जानने में इंटरेस्ट है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। वैसे भी अगर कोई एक अच्छी फिल्म आप देखना चाहते हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। और इस फिल्म के लिए दोस्तों मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।